Hello. In this video, we are going to discuss the part 3 of reasoning section of NCHMCET 2020 paper. And the first question is based on blood relation. So the question is, if the son of an old person is the uncle of my son, then the old person is related to me as. Now see, let's start this question. Now, the son of old person. So, sabse pehle hum old person bana lete hain. So this is old person. Now the son of this person, this old person ke jo son hai, ye hai na, aur ye kaun hai? He is the uncle of my son. Ye mere son ke uncle hai. So my son aur ye unke uncle hai. Fine. Now the old person is related to me as, jo old person hai wo mere kya lage? Father. Fine. तो बहुत इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन जब हम इनको फैमिली ट्री से सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली इसका आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 दैट इज फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग अ क्लॉज इज कोडेड एज पी ए पी एल यू ए एस ई. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक किस तरह से ये कोड किया गया है. नाउ सी पी ए पी एल यू ए एस ई आप देखेंगे कि एपी को पी ए कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है. फिर जो नेक्स्ट टू लेटर्स है उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है. फिर ए यू को यू ए कर दिया गया है. फिर जो नेक्स्ट टू लेटर्स है उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है. तो हम सेम लॉजिक स्प्लेंडेड में लगाते हैं. तो सबसे पहले हमको रिवर्स करना होगा एस और पी की पोजीशन को. फिर नेक्स्ट टू लेटर्स को एज इट इज, देन एन और डी को रिवर्स करना होगा एंड देन आई और डी एज इट इज. तो पी एस एल ई DNID, PSLE DNID is option 2. That is the correct answer. 23, again based on blood relation only. Introducing Ankita to guest, Bhaskar said, her father is the only son of my father. Now see, only son of my father is Bhaskar himself. Right? Wo Bhaskar khud hi hai. Only son of my father. To dekhiye, ye kis tarah se bol rahe hain? Bhaskar bol rahe hain ki her father. Her father. ये और ये जो है ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर. ये मेरे फादर के इकलौते बेटे हैं तो भास्कर खुद ही होंगे. अब एक बार दोबारा आप देख सकते हैं हर फादर ये पर्सन ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर. ये मेरे फादर के इकलौते बेटे हैं. नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज अंकिता रिलेटेड टू भास्कर. अंकिता इज डॉटर ऑफ भास्कर. ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 24. आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट्स. The alphabetical series is given to us. If all the vowels are removed from the alphabet, which letter will be fourth to the left of 16th from the right? Right से जो 16th letter होगा, उसके भी fourth letter इधर कौन सा होगा? कब वो देखना ही है जब हमने सारे vowels को remove कर दिया है. तो let us first of all remove A, E, I, O, U. Now how many letters are left? 21 letters are left. और ये हमसे कौन से लेटर की बात कर रहे हैं? यहां से 20th लेटर की. तो यहां से 20th लेटर विल बी सी, सेकंड लेटर फ्रॉम हियर. सी इन टोटल वी हैव 21 लेटर्स ना, उसमें से यहां से 20th लेटर की बात की है, इस वाले लेटर की. यदि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो यदि हम इसको लेफ्ट से देखेंगे तो ये कौन सा लेटर आएगा? सेकंड लेटर. और सेकंड लेटर इज सी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज सी. Again, blood relation. A woman said to men, "The only brother of your sister is my father. The only brother of your sister." उस man की sister का, ये उस man की sister हो गई. उनका only brother कौन होगा? वो man खुद होगा. और ये man is my father. ये woman बोल रही है कि this man is my father. How is that woman related to the man? Daughter. Easy one again. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. द ओनली ब्रदर ऑफ योर सिस्टर, वो उस मैन को बोल रही है, इस मैन की सिस्टर का ओनली ब्रदर. तो वो मैन खुद हो गया. इज माई फादर, तो वो मेरे फादर है. राइट right? तो वो वुमेन क्या लगी? इस मैन की डॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंक डिटरमिनेशन. स्वाति इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ राजू. नाउ अहेड हियर मींस कि स्वाति की 7 रैंक अच्छी है. राजू की रैंक इज 36 इन अ क्लास ऑफ 60. देखिए बच्चों, राजू की रैंक 36 है और स्वाति की रैंक राजू से 7 रैंक्स अच्छी है, तो स्वाति की रैंक मस्ट बी 29. 36 में से आप 7 माइनस कर दीजिए, दैट विल गिव यू 29. फाइन.
तो इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट स्वाति की रैंक टॉप से 29 है, तो बॉटम से कितनी होगी? सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट, टोटल स्टूडेंट माइनस रैंक फ्रॉम टॉप, जो भी आता है उसमें आप प्लस वन कर दीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर। 32 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर्थ। फाइन, ये वो मेथड है जो क्लास में सिखाते हैं बच्चों को। तो क्या करना होता है, जब भी टोटल स्टूडेंट गिवन है और आपको टॉप से रैंक दे रखी है उसको सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर में प्लस वन करिए, यू विल गेट द रैंक फ्रॉम बॉटम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, है ना? तो ए बी सी डी ई एफ जी, देयर आर सेवन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, देयर आर थ्री फीमेल्स अमंग देम, तो मैं नोट कर लेता हूं, तीन फीमेल होना चाहिए। देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, राइट? एंड सबके डिफरेंट प्रोफेशन गिवन है, तो प्रोफेशंस आर आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जनरल मैनेजर ऑफ ए होटल एंड म्यूजिशियन, एंड दीज आर नॉट इन एनी ऑर्डर, एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट? नाउ बी इज अ लॉयर एंड ही इज मैरिड टू एफ। नाउ बी इज अ लॉयर एंड ही बोला गया, इसका मतलब बी मेल होगा, तो बी लॉयर है एंड ही इज मैरिड टू एफ, दैट मीन्स एफ फीमेल होगी एंड एफ इज जनरल मैनेजर ऑफ द होटल, जनरल मैनेजर ऑफ द होटल। फाइन, तो ये हमने नोट कर लिया, बी लॉयर है, इसको मैं ऊपर नोट कर लेता हूं। तो एक मैरिड कपल तो हमें मिल ही चुका है फर्स्ट लाइन से। नाउ ए इज ब्रदर ऑफ जी, ए इज ब्रदर ऑफ जी, हु इज द आर्किटेक्ट? नाउ जी इज द आर्किटेक्ट, सी इज डॉक्टर एंड इज एन अनमैरिड लेडी, सी डॉक्टर है और अनमैरिड लेडी है, तो एक लेडी और मिल गई। फाइन, डी इज टीचर एंड सिस्टर ऑफ जी, नाउ सिस्टर ऑफ जी मतलब ये सब भाई बहन है, तो डी इज सिस्टर ऑफ जी एंड इज अ टीचर। नाउ सी, देयर वर थ्री फीमेल्स ओनली इन द फैमिली, तो एक एफ है, एक सी है, एक डी है। नाउ ई इज नॉट एन इंजीनियर। अब देखिए बच्चों, इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दे रखा है, तो अब हमें इसको चेक करके अरेंज करना होगा जिससे एक फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाए। तो सपोज मैं इधर ए को प्लेस कर देता हूं, नाउ ए इज सन ऑफ बी एंड एफ, और ए सन है और जी यहां पर है और सी यहां पर है, ठीक है? नाउ सी इज डॉक्टर, जी इज आर्किटेक्ट, ऑल द जेंडर ऑफ जी इज नॉट येट डिफाइंड, राइट? ए के सिस्टर है डी। अब देखो बच्चों, हमको तीन फीमेल्स करनी थी, वो हो चुकी है एफ डी एंड सी, बट हमको दो मैरिड कपल भी करने थे। फाइन, अब ए और जी किसी से मैरी नहीं कर सकते क्योंकि देवर थ्री फीमेल्स ओनली, और तीनों फीमेल्स हो चुकी हैं एफ डी एंड सी, डी अनमैरिड है ये उन्होंने, सी अनमैरिड है ये उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। फाइन, सी इज अ डॉक्टर एंड इज एन अनमैरिड लेडी, तो द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव नाउ इज टू मैरी डी विद ई। डी को यदि हम ई से मैरी करवा दें तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ डी इज अ टीचर और ई इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर के पास एक ही ऑप्शन बचा ए होने का, और ई के पास एक ही ऑप्शन बचा म्यूजिशियन होने का। फाइन, और क्योंकि तीन लेडी हो चुकी थी तो जी भी क्या होंगे फिर, मेल ही होंगे। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि हमारा जो फैमिली ट्री कंप्लीट है। और एक बार बच्चों इसका अच्छा वो क्या रहता है, सी वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस अरेंजमेंट, नाउ देयर आर फोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, तो एक बार यदि ये हमने सही कर दिया तो चारों के चारों क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हस्बैंड ऑफ टू मैरिड कपल, एक हस्बैंड बी है, एक हस्बैंड ई है, तो आंसर इज बी एंड ई, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ओके, Which of the following pair represents a married couple? ED, yes, ED is a married couple. तो first option ही answer मिल गया हमें, right? BG married couple नहीं है, DC married couple नहीं है और AC भी married couple नहीं है। What is A's profession? A का profession बच्चे is engineer, option 4. And what is E's profession? E का profession is musician, option 2. So benefit कहाँ रहता है ऐसे questions को solve करने का? एक बार हमें इसे solve करना पड़ता है, उसके बाद सारे answers अपने आप आ जाते हैं। सो आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन गेट बैक टू अस। थैंक यू।